पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश में लगे रूस को भारत ने करारा जवाब दे दिया है। भारत और रूस सालों से गहरे दोस्त रहे हैं, लेकिन भारत ने जो कदम उठाया है वो रूस को जवाब देने के लिए ही है कि अगर दोस्त दुश्मन से दोस्ती करने की कोशिश करेगा तो नया भारत शांत नहीं रहेगा। पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश में लगे रूस को इस बार भारत ने करारा जवाब दे दिया है और रूसी दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा कदम भी उठाया है। 3 दिनों के लिए रूस के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया का दौरा करने का फैसला किया है। भारतीय विदेश मंत्री 9 और 10 जुलाई को जॉर्जिया का दौरा करेंगे, जो रूस का कट्टर विरोधी देश माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस और जॉर्जिया का वही संबंध है जो पाकिस्तान और भारत के बीच का है। और भारतीय विदेश मंत्री जॉर्जिया के दौरे पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रूसी विदेश मंत्री जब भारत के दौरे पर इसी साल आए थे तो वो भारत का दौरा करने के बाद सीधे पाकिस्तान चले गए थे। लिहाजा अब यहाँ पर यह माना जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री ने रूस को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। और यहाँ पर खास बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की जॉर्जिया की ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी जो 1991 में रूस से स्वतंत्र हुआ था। वैसे यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के जॉर्जिया दौरे को रूस को दिए गए कड़े जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। रूस को नाराज ना करने के लिए भारत अब तक जॉर्जिया के साथ संबंध बढ़ाने से बचता रहा था, लेकिन इसके बाद एस जयशंकर के इस दौरे को भारतीय कूटनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जॉर्जिया की आजादी के बाद से ही रूस के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। रूसी सेना ने जॉर्जिया क्षेत्र पर लगभग 20% हिस्से पर 1990 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद से कब्जा किया हुआ है। इस क्षेत्र में दक्षिणी ओशेशिया और अबखाजिया का क्षेत्र भी शामिल है, जहां के लोग आज भी रूसी पासपोर्ट पर यात्रा करते हैं। 2008 में दोनों देश बड़ी जंग भी लड़ चुके हैं। जॉर्जिया अमेरिका का सहयोगी देश भी है, इसी कारण भी उसका रूस के साथ तनाव बना रहता है। यानी कि यहाँ पे आप भारतीय विदेश नीति की पूरी गणित समझ चुके होंगे कि पहले भारत अपना निशाना अफगानिस्तान, फिर चीन और फिर चीन से सीधा रूस पर ही कर दिया। यानी कि यहाँ भारत ने रूसी मंच का इस्तेमाल करते हुए चीन को कड़ा संदेश तो दिया ही है, साथ ही साथ जॉर्जिया जाके विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस को यह संदेश देंगे कि अगर रूस पाकिस्तान के आसपास रहेगा तो भारत भी अपने पुराने वादे भूलकर नए रास्तों का निर्माण करेगा। क्योंकि 9 सालों में पहली बार रूसी विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे और तो और पाकिस्तान को विशेष सैन्य हथियार देने की भी बात की। अब इतना सब हो जाने के बाद भारत भी अपनी नीति में बदलाव कर भारत के विदेश मंत्री स्वतंत्र जॉर्जिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बनेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी जो रूस को कड़ा संदेश दे जाएगी।